संध्या, माननीय महोदय, शिक्षक गण एवं साथियों, कहते हैं जिसमें गुणों का असीम सागर हो उसे परमात्मा कहते हैं, जिसमें गुण ज्यादा दोष कम हो उसे देवता कहा जाता है, जिसमें गुण और दोष समान हो वो मानव है और जिसमें दोष ज्यादा गुण कम हो वो राक्षस है। पृथ्वी पर मानव का जन्म होता है पर कभी कभी मानव रूपी राक्षसों का भी जन्म हो जाता है। इस बात को स्पष्ट रूप से आप सभी के अंतर पर डालने के लिए मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्रद्धा बहकूमत का बेटी हो उनको समझो खास, बहकूमत का बेटी हो उनको समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास, भरोसा मत ना कीजिए सब पर आके नीच, भरोसा मत ना कीजिए सब पर आके नीच, स्वर्ण के देश में आ सकता मनीष, माँ बाप के हृदय से घर निकलेगी आ, कभी सफल होगा नहीं ऐसा प्रेम विवाह, आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना यार, आधुनिकता के समर्थन को इतना रखना यार, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औला, जीवन स्वतंत्र आपका कीजिए फैसला, पर ऐसा कुछ न कीजिए मुँह छिपाए माँ बाप, घर आंगन के गौरी आप उनकी इज्जत आप, साल साल धरना जरा शरण को भाप, बॉलीवुड की गंध की खत्म किए संसार, बॉलीवुड की गंध की खत्म किए संसार, चाल साज अच्छा है लगे बुरा लगे परिवार, जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क कुमार, इस दरिद्री को यार कर लेना एक बार, नारी तुम श्रद्धा रहो ना घर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा रहो ना घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो विकार किसकी, संस्कारों की सराहना कुकृत किरकारो आज, संस्कारों की सराहना कुकृत किरकारो आज, आने वाली पीढ़ियां करेंगी तुम पर नाज, बहको मत ना बेटियों उनको समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। धन्यवाद।